गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सुविचार है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे अपठित पद्यांश, है ना। पैराग्राफ जो रहता है उसको कहते हैं अपठित गद्यांश, और पद्यांश मतलब छोटी सी कविता आपको मिलेगी, उस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और कभी कभी ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर आते हैं, कभी कभी पूरा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 8th में आ गए हो तो पोएम वाला भी अपठित पद्यांश पैराग्राफ आपको आएगा। गद्यांश जो होता है उसमें पैराग्राफ होते हैं, पोएम वाले में इस तरीके से पोएम होगा, प्रश्न होगा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं कविता ध्यान से पढ़ रही हूँ, कविता के आधार पे प्रश्न है और उत्तर हमें छांट कर लिखना है। कल कारखाने मील उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोक। कविता का लाइन है, कल कारखाने मील उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोक, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में दे देते। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी। हमने ये कविता पढ़ी, पढ़ने से हमें पता चल गया कि ये कविता जो है वो प्रदूषण के ऊपर है, प्रदूषण कैसे फैलता है, और पेड़ लगाने से हमें शुद्ध हवा मिलती है। अगर समझ में नहीं आता है कविता तो हमें दो बार पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में आपको आंसर दिया है, कभी कभी आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा तो कविता आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। प्रश्न पहला है, कल कारखाने मील और उद्योग क्या फैला रहे हैं। तो फिर से हम आएंगे काव्य वाले पार्ट में, पोयम वाले पार्ट में, कल कारखाने मील उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग। तो ऑप्शन में है खांसी, बुखार और प्रदूषण। तो कल कारखाने क्या फैलाते हैं, प्रदूषण। तो राइट आंसर होगा प्रदूषण, इसमें हम टिक कर देंगे। सेकेंड प्रश्न है, गंदी हवा लेकर पेड़ हमें क्या देते हैं। गंदी हवा वो ले लेते हैं और बदले में हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो पोयम में यहाँ पे देखिए, दूषित करे वायु हर रोग कौन, धुआं। लेकिन नीचे लाइन में देखो, दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। अब आप फिर से ऑप्शन पढ़ेंगे तो पत्ते, कचरा और प्राण वायु। तो सही उत्तर क्या होगा, पत्ते तो देते हैं लेकिन गंदी हवा लेने के बाद वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। तो प्राणवायु में हम सही उत्तर पे टिक कर देंगे। थर्ड है, कहाँ का गंदा पानी जल को दूषित कर रहा है। फिर से हम पोयम पढ़ेंगे, शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी। शहरों का यह गंदा पानी दूषित करे प्रदूषित जल मनमानी। तो कहाँ का गंदा पानी जल को दूषित कर रहा है, गांव का कि शहर का कि मंदिर। तो शहर का जो गंदा पानी है वो जल को दूषित कर रहा है, पानी को गंदा कर रहा है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने पोयम पढ़ा, पोयम के आधार पर प्रश्न है और ऑप्शन में MCQ में आपके उत्तर हैं। तो सही उत्तर पे कविता को बार बार पढ़ के टिक करना है। थैंक यू।